प्राइम वॉलीबॉल लीग, इंडिया की पहली फुली प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग और मोर इम्पोर्टेंटली पहली ऐसी लीग जो एक लोकली पॉपुलर बट हमेशा से बड़े स्केल पर इग्नोर्ड स्पोर्ट को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दे रही थी। प्राइम वॉलीबॉल लीग का सीजन 1 पिछले साल ही शुरू हुआ था और काफी सक्सेसफुल भी रहा। पर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 का सीजन 2 सीजन 1 की दी हुई बढ़िया शुरुआत को और ज्यादा बिल्डअप कर सकता है? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स। आज बात कर रहे हैं रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 की, कैसे सीजन 1 एक अच्छी शुरुआत रहा, कैसे सीजन 2 से पहले ही काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, किस तरह का फॉर्मेट और चेंजेस हुए हैं सीजन 2 के लिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है फॉर्मेट वगैरह, और बेसिकली प्राइम वॉलीबॉल लीग से जुड़ा सब कुछ। तो लेट्स गो। इस लीग का सीजन 1 शुरू हुआ लास्ट ईयर 5 फेब को। हमने एक वीडियो भी किया था अराउंड द सेम टाइम पूरा इस प्रोसेस को डिटेल करते हुए कि कैसे ये लीग सोची गई, किस तरह से बेसलाइन वेंचर्स को ये लीग शुरू करने में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, बेसिक फॉर्मेट्स और बाकी सारी डिटेल्स वो आप वीडियो देख सकते हो यहाँ कहीं। बेसिकली 7 टीमें थी इस टूर्नामेंट में, जिसमें से कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने अहमदाबाद डिफेंडर्स को फाइनल में हरा के ये चैंपियनशिप जीती। पैंडेमिक के चलते ये पूरा सीजन बायो बबल्स में खेला गया, बिना ऑडियंस के खेला गया और हैदराबाद के गाची बावली इंडोर स्टेडियम में ही सारा टूर्नामेंट हुआ ये 24 के 24 मैचेस। पर ओवरऑल इस लीग की काफी ज्यादा तारीफ हुई फॉर द क्वालिटी ऑफ द फॉर द स्पोर्ट, क्योंकि जिस तरह का वॉलीबॉल, जिस तरह का फास्ट पेस पूरा फॉर्मेट और जिस तरह से पूरी चीज को पैकेज किया गया था उसकी काफी तारीफ हुई और इसने टीवी व्यूअरशिप और डिजिटल व्यूअरशिप को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया फॉर श्योर। पूरे सीजन में 24 मैच थे और सबका टीवी व्यूअरशिप अगर मिलाएं तो कुछ 4 करोड़ से ज्यादा का टीवी व्यूअरशिप आया सीजन 1 के लिए प्राइम वॉलीबॉल लीग के, विच इज अ बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे और सोशल मीडिया चैनल्स थे उसके थ्रू ये लीग पहुंची 8 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंडिया में, और जो इस लीग से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वीडियोज और बाकी सब कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पे वो पहुंचे 4 करोड़ व्यूज से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ व्यूज तक पहुंचे इन वीडियोस पे इससे रिलेटेड, जो कि ये नंबर्स बहुत बड़े हैं एक ऐसी एंटिटी के लिए जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इमीडिएटली नहीं मिली थी फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वॉलीबॉल को उतना ज्यादा एज अ प्रोस्पेक्ट अभी तक नहीं देखा जा रहा था, बट अब धीरे धीरे देखा जा रहा है। 27 अलग अलग देशों तक पहुंची ये लीग, 27 अलग अलग देशों ने इस लीग के साथ, इस लीग के कॉन्टेंट के साथ एंगेज किया, इस लीग के कंटेंट को, मैचेस को देखा, विच इज अगेन अ बिग बिग डील। इस पूरे में क्योंकि ये एक प्राइवेट लीग थी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक कंट्रोवर्शियल ट्रैक के साथ चल रहे थे बेसलाइन वेंचर्स, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहले जो लीग स्टार्ट हुई थी बेसलाइन वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप में उसमें काफी कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे। सबका यही मानना था कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एक आउट ऑफ रिवेंज कह लो या जो भी कह लो, प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स इस लीग में खेलेंगे उनको थोड़ा सा तंग करेंगे, एंड वो हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। केरला के जो टॉप प्लेयर्स थे उनको नेशनल गेम्स में बैन कर दिया गया, नेशनल गेम्स में नहीं खेलने दिया गया इनिशियली। ये प्लेयर्स इनफैक्ट अपनी फेडरेशन को, अपनी स्टेट फेडरेशन को कोर्ट तक लेके गए और वहां पे जीते ये लोग। जीतने के बाद फिर ये लोग केरला के लिए खेले नेशनल गेम्स में और वहां पे गोल्ड मेडल जीते। ये एक अगेन एक बड़ी विक्ट्री है प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए, प्लेयर्स के लिए, एंड टू बी वेरी फेयर इंडियन वॉलीबॉल के लिए, ताकि ये एक एटलीस्ट बेसलाइन सेटअप हो जाता है, नो पन इंटेंडेड, बट एक बेसलाइन सेटअप हो जाता है कि यार इन प्लेयर्स को जो एक्चुअली एक सॉलिड फ्यूचर देख रहे हैं इस लीग के साथ, इन प्लेयर्स को इंडिया को रिप्रेजेंट करने से इतने आराम से रोका नहीं जा सकता, एंड दैट इज ग्रेट। ऑल इन ऑल एक अच्छी सॉलिड पॉजिटिव शुरुआत इस लीग के लिए ओवरऑल, और इंडियन वॉलीबॉल को ये फॉर श्योर हेल्प करेगी जिस तरह से जा रही है अभी। एंड अगर इसी को एड ऑन करके देखो तो सीजन 1 के बाद सीजन 2 की तैयारी में जिस तरह के डेवलपमेंट हुए वो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। पहली सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही कि 7 टीमें थी पिछले साल, इस साल 8 टीमें होंगी। मुंबई मीटियोर्स करके एक और टीम ऐड हुई है, जो कि अगेन वेरी बिग डील, क्योंकि पहले ही सीजन के सक्सेस के बेस पे और पहले ही सीजन ने जो प्रॉमिस दिखाया है उसके बेस पे एक और बिजनेस ग्रुप एक लीग के साथ, एक स्पोर्ट्स लीग के साथ जुड़ने को राजी हो जाता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एंड
अब पिछली बार 24 मैच थे 7 टीम के साथ, इस बार 31 मैच होने वाले हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, सारी टीम्स एक दूसरे के साथ मैचेस खेलेंगी, फिर उसके बाद जो टॉप 4 टीम्स रहेंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी, उसके बाद फिर फाइनल एंड ऑब्वियसली चैंपियन। इस सीजन 2 के लिए जो ऑक्शन होना था वो हुआ था अक्टूबर में, और उसमें अटैकर रोहित कुमार को सबसे हाईएस्ट बिड मिली थी, 17.5 लाख की, जो कि कोची ब्लू टस्कर्स में गए हैं वो इस बिड के बाद। एंड ओवरऑल अगेन इस ऑक्शन के बाद भी एक पॉजिटिव एटमोस्फियर कह लो प्लेयर्स के अराउंड, इस लीग के अराउंड, वो एक अच्छा लगता है देखने में कि ऐसा एक स्पोर्ट्स लीग जो कि क्रिकेट नहीं है और मेन स्ट्रीम उतना नहीं है, पर धीरे धीरे करके एक श्योरिटी के साथ स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स दिख रहे हैं उसमें, तो वो एक डेफिनेटली सबको इंकरेज करने वाली बात है, फैंस को, प्लेयर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सबको। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पैंडेमिक का उतना ज्यादा इशू नहीं है, तो फैंस को स्टेडियम्स में आने दिया जाएगा मैचेस देखने के लिए। ये एक फॉर श्योर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा लीग पे, क्योंकि एटमोस्फियर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, हमने हर स्पोर्ट में देखा है, इंडिया में, दुनिया में, इनफैक्ट जहां पे भी फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और जहां पे भी वो वाला इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिया जाता है, एक मेजर डिफरेंस पड़ता है एटमोस्फियर पे प्लेयर्स के लिए भी, एंड जो इवन घर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी, कि वो देखने में ही अलग एक मजा आता है जब फैंस स्टेडियम में वो चीयर कर रहे हो अलग अलग टीम्स के लिए, तो वो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है फॉर श्योर। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पिछली बार सिर्फ हैदराबाद में ही खेल लिए थे सारे मैचेस, इस बार 3 सिटीज में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची। बेंगलुरु में पहला लेग होने वाला है जो कि 4 फरवरी से शुरू होगा, उसके बाद सेकेंड लेग टूर्नामेंट का होगा हैदराबाद में 15 फेब से, वहां पे मैचेस शुरू होंगे, फिर आखिरी जो लेग होने वाला है वो है कोची में 24 फेब ऑनवर्ड। तो ये अगेन 3 अलग अलग सिटीज के लोगों को और इनफैक्ट 3 अलग अलग स्टेट के लोगों को इस लीग का एक्सपोजर मिलेगा, और इवन प्लेयर्स को अलग अलग जगह में अलग अलग एटमोसफियर में खेलने का एक्सपोजर मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रॉडकास्ट राइट्स अभी भी सोनी नेटवर्क के पास ही हैं, तो टीवी पे आप सोनी स्पोर्ट्स चैनल्स पे और ओटीटी पे सोनी लिव पे मैचेस देख सकते हो सारे के सारे। इसके अलावा एक और बढ़िया एडिशन हुआ है इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस को अगर मैचेस देखने हैं तो उसके लिए वॉलीबॉल वर्ल्ड, जो कि कमर्शियल विंग है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का, वो जुड़ गया है एज द ग्लोबल स्ट्रीमिंग पार्टनर, जो कि अगेन ब्रिलियंट ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी कि जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, सारे वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है इंटरनेशनल ऑडियंस को अपना टैलेंट दिखाने का, अपना गेम दिखाने का, और इंडिया में वॉलीबॉल किस लेवल पे है वो दिखाने का। तो अगेन ब्रिलियंट मूव बाय बेसलाइन वेंचर्स और प्राइम वॉलीबॉल लीग। इंटरनेशनल एक्सपोजर पे ही रहें तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस लीग के लिए, इंडियन वॉलीबॉल के लिए ओवरऑल, ये है कि इस बार और इस बार से जो क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, जिसमें सारी दुनिया के वॉलीबॉल क्लब्स, बेस्ट वॉलीबॉल क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अब प्राइम वॉलीबॉल लीग के विनर को भी जगह मिलेगी। उससे बढ़िया नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कुछ भी। और एक और बहुत बढ़िया चीज ये है कि अगले 2 साल, बेसिकली 2023 और 2024 का क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप वो इंडिया में ही होने वाला है, तो एक एडेड इंसेंटिव हो जाता है हर टीम के लिए। पहला तो कि ऑब्वियसली प्राइम वॉलीबॉल लीग जीतना अपने आप में एक बड़ा इंसेंटिव है, नो डाउट, बट उसके ऊपर से एक एडेड इंसेंटिव और हो जाता है कि आप जीत के दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कंपीट कर सकते हो। तो अगेन उससे ज्यादा एक खिलाड़ी के लिए अपने आप को साबित करना अलग अलग लेवल्स पे, बड़े से बड़े लेवल्स पे, उससे ज्यादा किसी भी प्लेयर के लिए कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं है। तो दैट इज अ ब्रिलियंट मूव बाय प्राइम वॉलीबॉल लीग, एंड बिग थैंक्स टू द इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIVB। तो रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कमर्शियल एंड पे भी जो इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले सीजन 1 के बाद सीजन 2 के प्रिपरेशन में, वो भी काफी ज्यादा इंकरेजिंग है। हमने ये देखा है कि एक नई टीम ऐड हुई है जो कि बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है फॉर श्योर पूरी लीग के लिए। उसके अलावा लीग को और अलग अलग टीम्स को नए नए स्पॉन्सर्स जुड़ने शुरू हुए हैं उनके साथ, तो वो भी अगेन ब्रिलियंटली पॉजिटिव स्टेप। फिर आप अगर ये देखो कि NFT और Web3 की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बहुत स्मार्टली प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने साथ BCETH लैब्स को अपने साथ एसोसिएट किया है एज द ऑफिशियल NFT पार्टनर अगले 2 साल के लिए,
एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मूव होने वाला है जब जहां पे ये एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी दुनिया भर के वॉलीबॉल फैंस को लीग रिलेटेड एनएफटीज और वॉलीबॉल रिलेटेड एनएफटीज प्रोवाइड कर सकेगी। अगेन ब्रिलियंट स्टेप, क्योंकि एक अलग ही ऑडियंस के साथ एंगेज करने का डेफिनेटली नया रास्ता है ये, तो स्मार्ट स्टेप अगेन। उसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट लीग के लिए ये है कि तेलुगु मूवी स्टार विजय देवरकोंडा ने हैदराबाद ब्लैक हॉक्स टीम में एक ओनरशिप स्टेक खरीदा है, जो कि फॉर श्योर उस टीम को हेल्प करेगा करेगा अपने आसपास एक बड़ा और फैन बेस करने में, पर लीग को भी ओवरऑल पॉपुलैरिटी में हेल्प करेगा जरूर, क्योंकि हमने हर लीग में देखा है, नॉट जस्ट इंडिया की, दुनिया की, जहां पे भी अलग अलग फील्ड से लोग जुड़ना शुरू होते हैं, स्पेशली सिनेमा वगैरह से, थोड़ा सा एक पॉपुलैरिटी बूस्ट डेफिनेटली एकदम से आना शुरू हो जाता है। तो अगेन होपिंग दैट ये भी एक स्टेप होगा जो कि लीग को थोड़ा सा और पुश करेगा। ऑल एंड ऑल डेफिनेटली गुड, वेरी वेरी सॉलिड इम्प्रूवमेंट। सीजन वन को ही अगर एक पैरामीटर लेके चलें तो उसके ऊपर ऑलरेडी बिल्ड करना शुरू कर दिया है ऑर्गेनाइजर्स ने, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। हम अगर एक देखें आगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजन टू से, तो सीजन टू फॉर श्योर बड़ा होना चाहिए और ज्यादा क्वालिटी ऑफ वॉलीबॉल हमें देखने को मिलेगा। एंड अब जबकि फैंस भी हैं स्टेडियम में और अलग अलग सिटीज में भी जा रहा है, तो फॉर श्योर एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन जुड़ता है इस पूरे स्पोर्ट के साथ, इस पूरी लीग के साथ। उसके अलावा नंबर ऑफ टीम्स भी ज्यादा है, मैचेस भी बढ़ गए हैं, 24 से 31 मैच हो गए हैं अब, कंपेटिटिव और ज्यादा होना चाहिए, तो कंपेटिटिव अगर लीग ज्यादा होगी तो जो क्वालिटी ऑफ वॉलीबॉल है वो भी ज्यादा होगा, बेटर होगा, तो वहां पे भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है फैंस के लिए, एक अलग प्लेयर्स के लिए भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रॉमिस है वो कहीं से भी उसको हल्के में नहीं ले सकते हो, वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होने वाली है सबके लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लीग के लिए, लीग के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, कि जो अच्छा स्टार्ट किया है सीजन वन में उसको उसके ऊपर और बिल्ड कर सकें, उसके ऊपर और ज्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकें, ताकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बन जाए, और प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट दुनिया भर में शोकेस करने के लिए, जैसे हमने पहले बात की स्ट्रीमिंग पार्टनर्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी को, एंड उसके अलावा अपने आप को साबित करने के लिए इवन इंडिया में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वॉलीबॉल प्लेयर्स को उतना ज्यादा सीरियसली अभी तक नहीं लिया गया है, पिछले एक दो साल में थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ है कम से कम, पर हमने कभी भी एक सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं देखी है स्पोर्ट की प्रॉपर बड़े स्केल पे। लोकली हम सब ने खेला है अपने अपने कॉलोनी के पार्क्स में और इधर उधर ग्राउंड्स वगैरह में, स्कूल्स में, पर कभी भी बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे उतनी ज्यादा ग्रोथ देखी नहीं है। यहाँ पे जब एक धीरे धीरे करके लीग बढ़ रही है, धीरे धीरे करके एक पूरा प्रोजेक्ट शेप ले रहा है, यहाँ पे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये लीग शुरू हो रही है 4 फरवरी से, इसके सेमीफाइनल दोनों सेमीफाइनल जो है 3 और 4 मार्च को, और फाइनल होगा 5 मार्च को। आप ये सारे मैचेस देख सकते हो सोनी स्पोर्ट्स पे, टीवी पे, जो सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं उन पे, और अगर ओटीटी पे देखना चाहो तो सोनी लिव पे स्ट्रीम होंगे सारे मैचेस। मोस्ट डेज पे सिर्फ एक एक मैच ही है, और हर मैच शायद शाम को 7 बजे शुरू होना है, और जिन जिन भी दिनों पे 2 मैचेस हैं, कुछ कुछ ही दिनों पे हैं, बट जिस पे भी 2 मैचेस हैं उस पे ऐसे है कि 7 बजे और 9:30 बजे मैचेस होंगे। तो अगेन वेरी कन्वीनियंट टाइम, कोई ऐसे बहुत लंबे लंबे मैचेस तो होते नहीं वॉलीबॉल के, तो देख सकते हैं हम सारे ही देख सकते हैं इनफैक्ट अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और इंकरेज कर सकते हैं जितना कर सकते हैं प्लेयर्स को। हाँ, ग्लोबल स्ट्रीम की अगर बात करें तो वो वॉलीबॉल वर्ल्ड पे होना है, अगेन अ वेरी वेरी रिप्यूटेड मीडिया बेस वॉलीबॉल के दुनिया में, तो वहाँ पे भी अगर आप इंडिया से बाहर से ये वीडियो देख रहे हो या वॉलीबॉल लीग देखना चाहते हो, प्राइम वॉलीबॉल लीग, तो आप वॉलीबॉल वर्ल्ड की सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। तो अगेन मैं जेन्युइनली होप कर रहा हूँ कि जिस तरह का स्टार्ट मिला है सीजन वन को, जिस तरह का रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 को स्टार्ट मिला है पिछले साल, उससे और ज्यादा दुगना 3 गुना और ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाए सीजन टू, और प्लेयर्स और तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाएं, और पोटेंशियल और ज्यादा देखने को मिले हमें कि हाँ इंडिया के पास इस लेवल का टैलेंट है, और हमें सीरियसली लेना पड़ेगा दुनिया को और इवन अपने देश वालों को।
आपके हिसाब से किस तरह का इंपैक्ट क्रिएट किया है सीजन वन ने रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 के, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी एक्सपेक्टेशन भी जरूर बताएं सीजन टू से कि आपको क्या लग रहा है कि कितनी ज्यादा और ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें इस सीजन में, किस लेवल का वॉलीबॉल देखने को मिलेगा हमें इस सीजन में, प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, एंड आप भी प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि ये वीडियो और इस लीग के बारे में और ज्यादा लोग जान सकें। बाकी अगर आप इस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं और इस स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।